रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मीनिंग होता है कितनी CO2 इवॉल्व हुई, कितनी पर्टिकुलरली O2 पे लेने पे। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स वाले केस में RQ जो होता है वो लेस देन 1 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस देन 1 फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई फैट वाले केस में RQ लेस देन 1 क्यों है, वो इसलिए क्योंकि फैट ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्योंकि CO2 के डिवाइड में O2 है, अगर मेरा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है मेरा RQ क्या आएगा, कम आएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन आया नीट का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ग्राउंडनट का RQ क्या रहेगा, 1 > 1 < 1। तो ग्राउंडनट क्या होता है, ग्राउंडनट अपने अंदर फैट स्टोर करके रखता है। फैट स्टोर करने के कारण ग्राउंडनट का RQ लेस देन 1 होगा, क्योंकि फैट अपने रेस्पिरेशन के टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं।